फ्रेंड्स वेलकम बैक माई चैनल नर्सिंग इज क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट GNM फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट, GNM फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस ना करके हम GNM फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर होते हैं तो इतना पता नहीं होता कि किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके का लिखना होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 75 मार्क्स होता है। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5 क्वेश्चन, चाहे वो GNM फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। तो सभी में कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो होता है MCQ, जो कि 5 नंबर का होता है, जिसमें 5 पॉइंट दिए जाते हैं। कहने का मतलब 5 MCQ आते हैं और एक MCQ एक नंबर का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें MCQ दे रखा है, फर्स्ट मैरिज ऑफ वन मैन विद वन वुमेन इज कॉल्ड। हिंदी में भी इसे कर सकते हैं अगर इंग्लिश में ना आए तो। एक पुरुष के साथ एक महिला के विवाह को कहा जाता है। इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपने 5 सही किए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या है, हमें चूज करना है राइट एंड रॉन्ग। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स दैट आर ट्रू। ये आपको बताना है ये सही है या गलत है। इसी तरह से अगर आपने ये 5 सही किए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फिलिप द ब्लैंक्स, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस पर जो ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करना है। तो ये भी 5 होते हैं, अगर हमने 5 सही किए तो 5 नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें फिलिप देखते हैं, पॉइंट फर्स्ट, फेलियर टू रिकॉल अ फैक्ट इज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। देन हम देखते हैं फोर क्वेश्चन, जिसमें क्या है, हमें क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, जो फोर क्वेश्चन है इसमें देखना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखा जाता है और वो भी कितने करने हैं, हमें 4 करने हैं, जो कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और दे रखे होते हैं 6। तो हमें इसमें से जो हमें आता है वो हमें 4 को कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th, वो शॉर्ट था, इसी तरह से के लॉन्ग क्वेश्चंस बोले जाते हैं, ठीक है। 5th, जैसे कि इसमें दे रखा है, राइट इन डिटेल ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि ये जो 4 क्वेश्चन हैं हमें डिटेल में लिखने हैं, जैसे कि लॉन्ग लिखना है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है, 4 लिखने हमें और दे रखे हैं 6, हम जो आ रहे हैं हमें 4 वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फंक्शंस ऑफ फैमिली, परिवार के कार्य लिखिए, कितने नंबर का है, 10 नंबर का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको GNM के कोई भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व चाहिए या फिर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।